सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी, आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग को लेकर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पादप प्रजनन। हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन के बारे में, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। देखिए, अगर प्लांट ब्रीडिंग की बात करूं, जैसे अभी हमने पढ़ा था एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, तो अलग अलग तरीके के मोड हमने उसमें पढ़े थे, जो अभी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट भी किया। बात रहती है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। एक्चुअली अगर इसका प्लांट ब्रीडिंग का साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था इसका यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में कब हुआ था, 18वीं शताब्दी के अंत में इसका जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ था। और सबसे पहले इस रिगार्डिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित जो काम किया था, वो काम किया था बेल्जियम के वॉनमैन, मैं लिख ही दे रही हूँ पूरा, बेल्जियम के वॉनमैन, ठीक है। और तीन लोगों ने मिलकर ये काम किया था। नाइट थे जो कि इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के नाइट, और अमेरिका के थे कूपर, ठीक है। ये तीन लोग थे जिन्होंने मिलकर इस संदर्भ में काम की शुरुआत की थी। और प्लांट ब्रीडिंग को की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने एनिमल ब्रीडिंग को लेकर बात की थी, तो हमने कहा था कुछ बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग के संदर्भ में भी यही है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। पहली तो चीज यही है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि दी बेस्ट वहां पर सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर भी है कि जो अच्छे स्पीशीज हैं या बेस्ट स्पीशीज हैं, अच्छी जातियां हैं, उनका चुनाव किया जाए और हम ऐसा सिलेक्शन करें जो कि दी बेस्ट सिलेक्शन हो। दूसरी बात क्या ध्यान में रखने की है, हम किसी संदर्भ में काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई नई ब्रीड तैयार की है, तो उस ब्रीड का यानी उस पौधे का क्या महत्व है, यानी कि वो महत्वपूर्ण भी होना चाहिए। फिर परागण और गर्भाधान द्वारा, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग तरीके की यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं कि किन किन बातों के माध्यम से इनको किया जा सकता है। फिर लास्ट बिंदु जो हमारा रहेगा, जो भी पौधे यहाँ से प्राप्त होते हैं, उन प्राप्त हुए पौधों का भी, उन प्राप्त हुए प्लांट्स का भी हमें सिलेक्शन करना है। क्योंकि देखिए, जितना हमें वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है सारा रिजल्ट हमारे ही अकॉर्डिंगली दी बेस्ट हो, उनमें से भी हमें सेलेक्ट करना जरूरी है। तो ये तो थी कुछ उससे संबंधित बातों को ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या। अभी हमने सामान्यता कह दिया प्लांट ब्रीडिंग, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है जिस क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या। एक्चुअली एक तरीके से एमफुल वर्क है, और इस एमफुल वर्क से, यानी कि डिजायर्ड वर्क है, जिससे कि हम कुछ अच्छी ब्रीड को तैयार कर सकते हैं, और यानी हिंदी में कहूँ तो कुछ पौधों की अच्छी नस्लें या किस्में हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी किस्म के हमें पौधे मिलेंगे, जब पौधे अच्छी किस्म के होंगे तो वो हमारे लिए खेती के लिए उपयोगी होंगे, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी कि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और जो एक महत्वपूर्ण समस्या है जिनकी वजह से हम ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि पौधों में या फसलों में जो कीड़ा है वो बहुत लग जाता है, अलग अलग तरीके के रोग लग जाते हैं, तो जो हम ये नई ब्रीड तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी हमें जो किस्में हैं पौधों की वो मिलेंगी जो रोग प्रतिरोधक होंगी, यानी कि जिनमें डिजीज नहीं होगी या डिजीज के प्रति उनमें रेजिस्टिविटी होगी, वो अपने आप को ऑटोमेटिक सुरक्षित रख सकती हैं। अब रही बात, जैसे हमने प्लांट एनिमल ब्रीडिंग में बेस्ट सिलेक्शन किया था, यहां पर भी हम क्या करेंगे, ट्रू लाइन सिलेक्शन करेंगे। ट्रू लाइन सिलेक्शन करने के लिए हमने क्या करा, संकरण कराया, यानी कि क्रॉसिंग कराई। फिर उसके बाद हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन ना कह के पहले इसको सिलेक्शन के ही बिंदु से देखते हैं, ठीक है। हमने आर्टिफिशियली वहां पर क्या किया, दी बेस्ट का सिलेक्शन कर लिया।
यानी दी बेस्ट का सिलेक्शन जब आर्टिफिशियली किया गया तो उसके गुणों के आधार पर उसको छांट लिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उनमें रोग प्रतिरोधकता हो सके, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हो सके, या रोग ना हो वो ऐसी फसलें वहां पर हो। और न्यूट्रिएंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है, यानी उनमें पोषक तत्व होने चाहिए, ये भी जरूरी है। पोषक तत्व बने रहे और साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़े, तो हमें ऐसी किस्में तैयार करने के लिए एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन करना जरूरी है। तो फसल की नई तरीके से या जेनेटिकली नई ब्रीड को तैयार करने के लिए रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेप्स डिवाइड किए गए हैं, यानी कि जब इनका ब्रीडिंग कराई जाएगी तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहला पद ये होगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं यानी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको एक्यूमुलेट किया जाए या उनको स्टोर किया जाए, उनको संग्रहित किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी हमने पेरेंट जेनरेशन ली है यानी कि जनक पीढ़ी ली है या जिन भी जनकों का हमने चयन किया है, तो उस पेरेंट जेनरेशन का इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना और सिलेक्शन करना, ये रखने, दोनों चीजें करने में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी तरीके का इन दोनों कामों में एरर ना आए, क्योंकि अगर पेरेंट जेनरेशन एरर से सेलेक्ट हो गई तो हमें जो ब्रीड मिलेगी वो भी एरर ही मिलेगा। फिर तीसरी बात जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो भी हमने सेलेक्टेड पेरेंट लिए हैं यहाँ पर, उनके बीच में क्रॉसिंग कराते हुए ध्यान रखा जाए कि कोई एरर ना आए, यानी कि उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना है, क्रॉसिंग करानी है। फिर जो भी यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट यानी कि जो भी पुनर्योगज मिलेंगे, तो उनमें हमें सुपीरियर कहूं या दी बेस्ट कहूं, ठीक है, यानी दी बेस्ट हमें वहां पर क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। अब दी बेस्ट हमने रिजल्ट में से दी बेस्ट रिजल्ट निकाल लिया, हमने उसका सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन क्या ये सिलेक्शन हमारे टेस्टिंग पर खरा उतरेगा? तो सिलेक्शन के बाद जरूरी है कि हम उसको टेस्ट भी करें, ठीक है। अब जो भी नया यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है उसका परीक्षण हो गया, और जो भी वहाँ पर कुछ जैसे हमने कहा कि अभी एनिमल ब्रीडिंग हमने पढ़ा, हमने कहा कि हम उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो हार्मफुल जीन होते हैं या हार्मफुल कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर्स को हम धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो हार्मफुल चीजें हैं यानी कि जो परीक्षण में हमें लग रहा है कि प्लांट में ये चीज नहीं हो सकती, हम उनसे प्लांट को धीरे धीरे करके इस विधि के माध्यम से फ्री कर सकते हैं, और हम उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो था कि जैसे कुछ बातें जो हमें इसके संदर्भ में ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जैसे हमने कहा कि जो भी पौधा यहाँ पर प्राप्त होगा वो रोग प्रतिरोधक होना चाहिए, यानी प्रतिरोधक यानी कि उसमें डिजीज के प्रति रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। तो प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, जैसे हमने कहा ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हो, उत्पादन अच्छा हो और रोग प्रतिरोधकता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिंदु हम लेंगे, हम रोग प्रतिरोधकता का ही बिंदु लेंगे। अब इस रोग प्रतिरोधकता के अंतर्गत देखिए क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो, या उनमें जब ब्रीडिंग कराई जा रही है या उनमें जब नई संतति को तैयार किया जा रहा है, तो उससे पहले जो भी रोग कारक हैं यानी कि ऐसे जो भी कारण हैं जिनकी वजह से पौधा रोग ग्रस्त होता है या वो उसमें कोई किसी तरीके की बीमारी होती है या डिजीज होती है, तो उसके विषय में हमें पहले जानकारी ले लेना जरूरी है कि कौन सा रोग है, किसकी वजह से हो रहा है, कोई फंगस की वजह से है, कोई वायरस है या जो भी अन्य कारण है, और फिर उसके रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर क्या करनी चाहिए, एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि ये रोग प्रतिरोधकता उनमें डेवलप हो सके। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कवक है, ठीक है, फंगस है, तो कवकों के माध्यम से कुछ रोग होते हैं, ठीक। कवकों से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं ये क्वेश्चन आया है, मैं इसलिए इसको अलग से नोट कर रही हूँ। जैसे गेहूं में होता है, इसे भूरा किट कहते हैं, ब्राउन पैचेस टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसा ही ये गन्ने में होता है, क्वेश्चन आया था गन्ने का,
तो मैं इसको यहाँ पर बता दे रही हूँ। क्वेश्चन आया था गन्ने से संबंधित, तो गन्ने का क्या आया था कि गन्ने में रेड रॉट डिजीज हो जाती है। रेड रॉट यानी कि उसकी जो पोरियां हैं, जो गन्ना है वो लाल रंग का हो जाता है, और आपने देखा भी होगा। तो पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है, ये होता है यहाँ पर कवक की वजह से, ठीक है। अब दूसरा आता है आलू के संदर्भ में, आलू से ही संबंधित रोग देख लेते हैं। बैक्टीरियल रोग हो जाता है जिसमें बोला जाता है इसे पछेती अंगमारी, ठीक है। ये रोग किसकी वजह से होता है आलू में, पोटैटो में जो होता है कर्ल्ड लीफ भी होता है इसमें, आलू की जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ी मुड़ी सी हो जाती है, सिकुड़ी सिकुड़ी सी पत्तियां हो जाती हैं। ये रोग होता है यहाँ पर जीवाणु की यानी कि बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। अब जैसे क्रूसीफर है, सरसों की बात करूं, जानते ही हैं क्रूसीफर है, क्रूसीफर में होता है ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट समझ ही रहे, काली हो जाएंगी वो टहनियां। और किसका उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं जो हमने ज्यादा पढ़ा, तंबाकू का एक उदाहरण आ सकता है, ठीक है। किसका उदाहरण आ सकता है, तंबाकू, TMV आपने पढ़ा है, तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो किसकी वजह से होता है ये, वायरस की वजह से होता है। ऐसे ही शलजम में भी होता है जिसे कहा जाता है शलजम मोज़ेक, ठीक है। तो ये रोग किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। तो ये एक उदाहरण लिया हमने कि जो प्लांट्स हैं उनमें इस तरीके के कुछ रोग होते हैं, और उन रोगों को दूर करने के लिए पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रोग किसके कारण हो रहा है। पता चला ब्लैक रॉट है तो हमें ये पता होना चाहिए क्रूसीफर से रिलेटेड है, पता चला हमने गन्ने को या शुगर केन को लेकर इसके बारे में अपना जो भी काम है वो शुरू कर दिया। तो सबसे पहली चीज क्या है, जानकारी होना। अब हमें प्लांट को रोग प्रतिरोधक बनाना है यानी कि उसमें डिजीज के प्रति रेजिस्टिविटी को डेवलप करना है, तो उसके लिए कुछ रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग मेथड्स हैं, रिप्रोडक्शन या कुछ ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनकी बात करते हैं। तो रोग प्रतिरोधकता के लिए जो भी यहाँ पर कुछ विधियां बनाई जाती हैं, अपनाई जाती हैं, कुछ तो ट्रेडिशनल है यानी कि पारंपरिक है, जो काफी समय से इस्तेमाल की जा रही है। उन ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है, हम पहले कराते हैं क्रॉसिंग, और उसके बाद यानी कि संकरण कराया, और उसके बाद हम वहां पर कर लेते हैं सेलेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप आते हैं उसमें आता है सर्जिकल, कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे हाई प्रोडक्टिविटी के लिए हमने जो भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन मेथड यूज किया है उसी तरीके के यहाँ पर रिप्रोडक्शन मेथड के रिजल्ट्स हमें लेने होते हैं। तो इसी के लिए कुछ क्या होता है, स्टेप्स यहाँ पर भी हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर डिजीज के प्रति यहाँ पर रोग प्रतिरोधकता को डेवलप करना है, तो किस तरीके से प्रजनन विधियों को हम अपनाएंगे। तो पहला इसके अंतर्गत क्या लेंगे कि जो भी जर्म प्लाज्म है उसको छानने का काम करेंगे यानी कि फिल्टर करने का काम करेंगे। जो भी प्रतिरोधकता के, जो भी रेजिस्टिविटी के हमारे पास सोर्सेज हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। तो जो भी हमारा जर्म प्लाज्म है उस जर्म प्लाज्म को फिल्टर करने का काम करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए, जब भी हम यहाँ पर किसी भी तरीके की ब्रीडिंग पढ़ेंगे, चाहे हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं और चाहे हम एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो दोनों तरीके की ब्रीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम ऐसे पेरेंट का यानी कि ऐसी जनकों का चयन करें जो कि योग्य हो। तो यहाँ पर भी सेलेक्टेड पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग होगी, ये बात को ध्यान में रखना है। ऐसा ही नहीं किसी के भी बीच में कर दी, क्योंकि हम इतना सारा ताम तोबड़ा भी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रिजल्ट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से क्या हुआ, जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होता है, जो भी हमारे हाइब्रिड यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, हम उनका सेलेक्शन करें यानी दी बेस्ट को हम सेलेक्ट करें, और जो हमने दी बेस्ट को सेलेक्ट किया है उस दी बेस्ट का हम इवेल्युएशन भी करें यानी कि मूल्यांकन करें कि जो हमने दी बेस्ट सेलेक्ट किया है वो दी बेस्ट है भी या नहीं, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम उनका टेस्टिंग जरूरी है यानी कि परीक्षण करना जरूरी है, और जिससे कि नई नई जो किस्में बन रही हैं, नई नई जो ब्रीड बन रही हैं, उन नई ब्रीड की टाइम टू टाइम टेस्टिंग होती रहे, और फिर अगर टेस्टिंग में वो सफल रहती हैं तब उनको आगे जाके एज ए ब्रॉडली प्रोडक्शन मोड में लेकर आया जाए। तो ये कुछ स्टेप है किस तरीके से रेजिस्टिविटी डेवलप करने की कोशिश की जाती है या किस तरीके से रोगों के प्रति प्लांट्स को रोग प्रतिरोधक बनाने बनाया जाता है।
अब यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट आएगा प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। म्यूटेशन पढ़ते जाना ही है, हमने पढ़ लिया है। ह्यूगो टीब्रीज को कहा जाता है म्यूटेशन के जनक यानी कि फादर ऑफ म्यूटेशन। बात करते हैं, चलिए बहुत डिटेल हो जाएगी, फिर बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हुए। और यहाँ पर बात करेंगे कि जब हम म्यूटेशन को बात करते हैं तो आर्टिफिशियली यहाँ पर हम म्यूटेशन के लिए कुछ केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स हैं इनके द्वारा जो ये म्यूटेशन हो रहे हैं यानी कि इंटरनली जो चेंज होते हैं उनको स्टिम्युलेट करने की कोशिश होती है, यानी उनको प्रेरित करने की कोशिश होती है, उनको बढ़ावा देने की कोशिश होती है। और ऐसे प्लांट्स का चयन किया जाएगा यानी कि ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन होगा, उन पर एक्सपेरिमेंट होगा जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए जो कैरेक्टर्स हमने डिसाइड किए हैं उन कैरेक्टर्स के लिए वो एक सोर्स हो, यानी कि उन कैरेक्टर्स के लिए वो स्रोत हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये प्रोसेस होता है इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग या म्यूटेशन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये किसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, प्लांट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। देखिए दो बातें ध्यान में रखनी है सिर्फ इसके संदर्भ में। पहली चीज, जब हम, या म्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो कई बार हमें म्यूटेशन को आर्टिफिशियली एनहेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। केमिकल्स को जब इस्तेमाल किया गया तो जो म्यूटेशंस हैं, चाहे हम रेडिएशन के थ्रू कहें चाहे कुछ केमिकल्स के थ्रू कहें, हम क्या करेंगे, उन परिवर्तनों को एनहेंस करने का काम करेंगे या परिवर्तनों को मोटिवेट करने का काम करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे या ऐसे हमारे एज ए सैंपल प्लांट होंगे जिनमें जिन गुणों को लेकर हम परिवर्तन चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि ये वाला गुण नई ब्रीड में दिखाई दे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बुरे गुणों को लेकर अगली नई ब्रीड तैयार करेंगे, हम क्या तैयार करने की कोशिश करते हैं कि एक ही ब्रीड में बहुत सारे लक्षण आ जाए, जैसे मच मोर फ्लावरिंग, मच मोर फ्रूटिंग, मच मोर न्यूट्रिशन, मच मोर प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स को लेकर कोई भी एक कैरेक्टर पिकअप किया और उसके बाद हम एक नई ब्रीड को तैयार करने की कोशिश करते हैं, और जब इस विधि से ये होता है तो इसको बोला जाता है म्यूटेशन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं मूंग का। मूंग जानते हैं, दाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। मूंग में एक रोग होता है जिसे येलो मोजेक वायरस कहा जाता है, हिंदी में उसे बोला जाता है पीत मोजेक वायरस, ठीक है। यहाँ पर इसे बोला जाता है YMV, मोजेक वायरस। तो पीत मतलब पीला, येलो, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पर चूर्ण जैसा उसका बनना शुरू हो जाता है, मतलब पाउडर जैसा बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इनके प्रति क्या आ जाती है, एक रेजिस्टिविटी आ जाती है, एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, ठीक है। ये प्रतिरोधकता किसको प्रेरित करती है, ये प्रतिरोधकता प्रेरित करती है म्यूटेशन को, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही लेडी फिंगर की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, भिंडी। भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, एबेमोस्कास एस्क्यूलेंटस, एबेमोस्कास एस्क्यूलेंटस, ध्यान में रखिएगा। इसमें भी क्या होता है, YMV के प्रति यहाँ पर रेजिस्टिविटी आती है। इसकी जितनी भी वाइल्ड स्पीशीज है, वाइल्ड स्पीशीज से ट्रांसफर्ड किया जाता है, और जिसके रिजल्टेंट जो नई भिंडी यानी कि जो एबेमोस्कास एस्क्यूलेंटस है उसकी एक नई किस्म जिसे उत्पन्न किया जाता है और जिसे कहा जाता है परभनी क्रांति, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, उत्पन्न किया गया। तो देखिए हम ऐसा नहीं है कि दी बेस्ट ब्रीड लेते गए और उनके बाद सेलेक्ट करते गए, जो वाइल्ड ब्रीड्स हैं या वाइल्ड स्पीशीज हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं और उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। फिर एक और उदाहरण देखें, अगर हमने रेजिस्टिविटी जीन के रिसोर्स के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करें, जैसे जो ये हमने उदाहरण लिए इन्हीं को अगर हम कहें, तो ये एक तरीके के ऐसे सोर्स बनते हैं जो एक रेजिस्टिव जीन को डेवलप करते हैं, और ये जीव उसी फसल की प्रजाति या उसी से संबंधित प्रजाति या जंगली प्रजाति के लिए रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। देखिए आप इस बात को सामान्य तरीके से ऐसे समझिए, जैसे मनुष्य है, ठीक है।
अब मनुष्य को सपोज लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, या इसको भी छोड़िए, मनुष्य को यदि दर्द हो गया है तो हम क्या करते हैं, दर्द की गोली लेते हैं। तो दर्द की जो भी मेडिसिन हमने ली है वो दर्द की मेडिसिन क्या काम करेगी, सिर्फ दर्द को कंट्रोल करती है, बाकी किसी और रोग के लिए नहीं होती, क्योंकि ऐसे रसायन होते हैं दवाइयों में, तभी हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। तो यही यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी डेवलप हो रही है म्यूटेशन के थ्रू, वो सिर्फ पर्टिकुलर रोग के प्रति डेवलप हो रही है, ऐसा नहीं है कि सारे रोगों के प्रति वो हो जाएगी। फिर दूसरी चीज, अगर वो भिंडी से संबंधित प्रयोग है या भिंडी से संबंधित रेजिस्टिविटी है तो भिंडी पर ही रहेगी, वो ऐसा नहीं है कि आम पर भी काम कर जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि करेले पर भी काम कर जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए या पर्टिकुलर फसल के लिए होगा। आप धान के लिए जो आप दवाई इस्तेमाल करते हैं वो गन्ने के लिए तो करते नहीं, या गेहूं के लिए करते नहीं, क्योंकि तीनों के रोग अलग अलग हैं और तीनों के लिए दवाइयां भी अलग अलग हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर जब दवाइयों का नाम आया है तो हम पेस्टिसाइड्स की भी बात कर लेते हैं, जिन्हें हिंदी में पीड़क कहा जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, इनके प्रति रेजिस्टिविटी डेवलप करने के लिए ही प्लांट ब्रीडिंग एक महत्वपूर्ण स्टेप है, या महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि हम उनमें पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टिविटी डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें पत्तियां कैसी हो जाती हैं, हेयरी सी हो जाती है, रोमिल पत्तियां जिन्हें कहते हैं, तो पेस्टिसाइड के प्रति जो रेजिस्टिविटी है उससे संबंध रखती है। जैसे कपास की बात करेंगे, कॉटन की बात करेंगे, कॉटन में जैसिड और गेहूं में एक कीड़ा लग जाता है, बीटल टाइप का होता है जिसे भ्रंग करके हम कहेंगे, मक्का में हाई एस्पार्टिक एसिड और लो नाइट्रोजन और कुछ मात्रा शुगर की, मक्का के तने में भेदक के प्रति यानी कि छेद हो जाते हैं, उन्हें भेदक बोला जाता है, तो उनके प्रति रेजिस्टिविटी डेवलप करते हैं। तो ये अलग तरीके से कई बार क्या होता है, जब हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उस पेस्टिसाइड से पर्टिकुलर रोग तो सही हो जाता है जो बीमारी लगी होती है, लेकिन वो पेस्टिसाइड किसी ना किसी माध्यम से उसके अंदर एंटर कर जाता है, और जब एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं, जैसे उसके फ्रूट्स लेना या गन्ने गेहूं की बात करूं अगर मैं, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में भी एंटर करता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डीडीटी वगैरह है, इसीलिए डीडीटी का यूज बैन हुआ, क्योंकि देखा गया बहुत बड़ी मात्रा में मनुष्य में उसके अंश पाए गए और जिसकी वजह से घातक बीमारियां हो जा रही थी, तो फिर बैन कर दिया गया उसको, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बचेंगी हमारी, जैसे क्राई प्रोटीन्स बचते हैं, जैसे बीटी कॉटन वगैरह बचते हैं कि क्या है वो, तो वो चीजें आगे आएंगी, फिलहाल जो अभी पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। फिर क्या होता है कि हमें ऐसी ब्रीड तैयार करनी होती है जिनमें न्यूट्रिशन, बोलते बोलते स्पेलिंग गड़बड़ा जाती है, न्यूट्रिशन की क्वालिटी को मेंटेन करना है। न्यूट्रिशन की क्वालिटी से मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन की क्वालिटी से मतलब ये हुआ कि उसमें प्रोटीन हो, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा होने के साथ साथ क्वालिटी प्रोटीन हो, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा वहां पर क्या हो, ऑयल हो, ऑयल होने के साथ साथ क्वालिटी मेंटेनेंस हो उसका, उसमें विटामिन्स भी हो, और विटामिन भी कैसे हो, मेंटेन क्वालिटी के हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जो सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें कहा जाता है, ये पोषक तत्व भी होने चाहिए, साथ ही साथ उसमें मिनरल भी होने चाहिए। आजकल एक्चुअली लोग क्या हो गए, डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले क्या, अभी हमारे नियर बाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, और अगर वो कुछ भी खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, और बॉडी में एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज जैसा दिखाई नहीं देता, मींस वो फैटी नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो डे टू डे रूटीन हो गया है, हमारे डे टू डे रूटीन में क्या होता है, लेबर कोई नहीं है, हम मेंटल वर्क तो करते हैं लेकिन हमारे फिजिकल वर्क नहीं होते हैं, हमारी इतनी मशीनरी लाइफ हो गई है, हर चीज के लिए हमारे पास मशीन्स अवेलेबल हैं, हम वॉक नहीं करते, और थोड़ा बहुत जो हम अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम अलग से समय निकालते हैं, और योगा या एक्सरसाइज जो भी है हम वो करते हैं। अब क्या हुआ, जो हमारा ये दिनचर्या है, इस दिनचर्या के हिसाब से जब हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो जो भी हम फूड लेते हैं हमारे अंदर स्टोर होता चला जाता है और एक्सेस हो जाता है। तो अब लोग हो गए डाइट कॉन्शियस, उन्हें खाना भी खाना है, पूरे पोषक तत्व भी लेने हैं, लेकिन भूख भी कंट्रोल करनी है,
ठीक है, जब डाइटिशियन कोई आपको हेल्प करता है और बहुत सारे डाइट कंट्रोल सप्लीमेंट्स आते हैं या स्लिम सप्लीमेंट्स आते हैं, बॉडी स्लिम करके जो भी आते हैं, तो बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, शेक्स आते हैं, उनका काम क्या होता है कि बॉडी को जितने मिनरल और ये चाहिए वो थोड़ी मात्रा में ही आपकी बॉडी को अवेलेबल करा देते हैं। फाइबर उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस वजह से क्या होती है, भूख देर से लगती है या भूख कम लगती है या खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो ये एक अल्टरनेट हुआ, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बॉडी पर थोड़ा सा बैड इफेक्ट भी जाता है। उसका सही तरीका ये है कि हम हर तरीके के खाने को खाएं, मींस टू हेल्दी फूड, नॉट टू अनहेल्दी फूड। सो तो हेल्दी फूड लेने की बहुत जरूरत है जिसमें क्या हो, सारी चीजें अवेलेबल हो। अब हम ओट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो नाश्ते में ओट्स ले रहे हैं, जबकि बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स कौन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब क्या हो रहा है, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जैसा टाइम चेंज होता जा रहा है उसी बात को ध्यान में रखकर ऐसी ब्रीड तैयार की जा रही है कि एक ही में सारे न्यूट्रिएंट्स, फैट्स भी आ जाए, एसेंशियल ऑयल्स भी आ जाए, एसेंशियल विटामिन्स भी आ जाए, सारी चीजें वहां पर क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। तो फिलहाल आज अभी इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड कंटिन्यू रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें, शेयर करते रहें, कोई सुझाव हो तो कमेंट भी करते रहें। आपके कमेंट या आपके सुझाव स्वीकार्य हैं और हम कोशिश करते हैं जो भी आपने सुझाव दिया हम उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंज कर सकें। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।